वाय हरियाली तीज को महिलाओं के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह नाग पंचमी से दो दिन तिथि पूर्व आती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ गणेश जी का भगवान शिव की भी पूजा करती हैं। हरियाली तीज पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त शुक्रवार को रात 8:01 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त दिन शनिवार को रात 10:19 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज 19 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। 19 अगस्त को हरियाली तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। आप सुबह में 7:30 से 9:08 तक पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 12:25 से 5:19 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद हरियाली तीज पूजा का शुभ समय 6:57 से रात 8:19 तक है। कई स्थानों पर दोपहर या शाम में हरियाली तीज की पूजा होती है। आप अपने परंपरा अनुसार शुभ मुहूर्त में हरियाली तीज की पूजा करें। हरियाली तीज वाले दिन सुबह 10:26 से सिद्धि योग बन रहा है। यह योग पूर्ण रात्रि तक है। यह एक शुभ योग है। इसमें पूजा पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। हरियाली तीज मुख्यतः उत्तर भारत में मनाई जाती है। यह हर साल सावन में मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हरे रंग को प्राथमिकता देती हैं। हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनती हैं। सुहागन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज में आप विधिवत शिव परिवार की पूजा करें, गणेश भगवान की उपासना करें और माता गौरी को श्रृंगार का सामान भी आप अर्पित कर सकती हैं। हरियाली तीज 19 अगस्त को है। आप विधि पूर्वक इसका पूजा कीजिए। हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है, जो यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु के साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हरियाली तीज प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन कुछ स्थानों पर महिला निर्जला व्रत करती हैं, कुछ स्थानों पर महिलाएं फलाहार करके यह व्रत करती हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।